भाजपा के 41वीं मकान की छत गिर गई, 6 अपराध जांभक, 4 जख्मी हो गए। जांभक अपराध में मियां बीवी और उनके 2 बच्चे भी शामिल। इमदादी टीमों ने लाश और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार फैमिली गुजरावाला से मेहमान आई हुई। जिला मोहम्मद के इलाके साफी में संगे मरमर की कान बैठ गई, 14 मजदूर दबकर जा बहक, कई जख्मी हो गए। कान में 50 से ज्यादा अफराद के दबे होने का खदशा। मलबे तले दबे बाकी अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारों के एहलकार शरीक। कराची के इलाके महमूदाबाद में मुबैना तौर पर शोहर के हाथों बीवी का कत्ल, लाश पोस्टमार्टम के लिए वरसा के हवाले। डॉक्टर ने केमिकल एग्जाम के लिए नमूने भेज दिए। अरिबा के वरसा का बेटी के शोहर शमशाद पर कत्ल करने का इल्जाम। वालिदैन का कहना है कि कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल अरिबा ने 4 माह कबल शमशाद से पसंद की शादी की थी। पुलिस ने शमशाद और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया। कराची में 5 साल बच्ची का सफाकाना कत्ल, ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। कमसिन बच्ची को सर पर भारी पत्थर और ईंट मारकर कत्ल किया गया। एमएलओ के मुताबिक 5 साल बच्ची को जहर देने का भी खदशा है। बेईमाना कत्ल का मुलजिम ताहाल गिरफ्त में ना सका। बच्चे के वारिसों और अहले मकीनों का एहतजाज जारी है। डॉक्टर माहा खुदकुशी केस में मुबैना मरकजी मुलजम जुनेद के माहा के वालिद पर जवाबी इल्जाम। जुनेद खान ने कहा कि मैं और माहा 4 वर्ष से एक दूसरे को जानते थे। माहा अपने वालिद आसिफ शाह से पहला झगड़ा वालिदा को छोड़ने पर हुआ। जुनेद ने माहा के वालिद आसिफ के किरदार का कई सवाल उठा दिए। जुनेद का माहा के भाई को ड्रग टेस्ट करने का भी मुतालिबा। समुद्री हदूद के दिफा के लिए पाकिस्तान नेवी की शानदार खिदमात। यौम बहरी आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में पाक अफवाज की बहादुरी और शुजात की दास्तान रकम की। ऑपरेशन द्वारका में दाग बिठाई जिस पर दुश्मन आज भी याद करके लर्जा तारी हो जाता है। शिकस्त, मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां 15 सितंबर से महलावार शुरू होंगी। पहले मरहले में 15 सितंबर को यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और मेट्रिक क्लासेस का आगाज होगा। 23 दिसंबर से 6ठी-8वीं जमात की पढ़ाई शुरू करने का फैसला। 30 सितंबर को 1ली से 5वीं जमात तक की क्लास शुरू हो जाएगी। वज़ीरे तालीम के इजलास में इत्तफाक के बाद NCOCC ने मंजूरी दे दी। और वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्रैक फ्लड्स का इजलास। चेयरमैन NDMA ने बारिशों की सूरत हाल और नुकसान पर ब्रीफिंग दी। महकमा मौसमियात और फ्लड हुकाम ने बताया कि इस साल मुल्क में ज्यादा बारिशें हुई, तमाम डैम भर चुके हैं।